पत्नी की बात मानकर सुदामा जी गए। सुशीला तीन घर से चावल मांग करके लाई। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए गए, कुछ भी नहीं पहने, हाथ में लकड़ी लिए भगवान से मिलने के लिए गए। एक जगह थक गए तो सो गए तो भगवान ने लीला करके द्वारका में बुला लिया। द्वारका में आंख खुली तो सबसे पूछते हैं, शीशे पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आए बसे क्रही ग्रामा। शीशे पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आए बसे क्रही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चकी सो मसुधा विरामा। पूछते दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछते दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जी पूछते हैं कि भैया द्वारकाधीश का भवन कौन है। एक व्यक्ति ने सलाह दी, वहां जाओ राजभवन में मिलेंगे। सुदामा जी राजभवन में पहुंचे तो पहरेदारों ने रोक लिया, कहां जा रहे भाई? हमें अपने मित्र कन्हैया से मिलना है। कौन मित्र? कन्हैया। ये कन्हैया कौन है? अरे हमारे मित्र हैं, जो तुम्हारे राजा हैं वो हमारे मित्र हैं। अच्छा अच्छा, आप द्वारकाधीश और भगवान कृष्णचंद्र की बात कर रहे हो? अरे उनका नाम कन्हैया नहीं है, उनका नाम जरा सम्मान से लो। क्या नाम है भैया उनका? अरे उनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता, धर्म चक्रवर्ती राजमूर्ति सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्वबंध श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। सुदामा जी बोले, भैया इतना लंबो नाम तो हम सपने में ना ले पाए। तुम एक काम करो, इतना लंबो नाम तुम ले लो, पाछे हमारे कन्हैया लगा दो। अब बताओ जी रहते कहाँ हैं? हैं तो यहीं पर, हमें मिल लेने दो। रुको यहीं, ऐसे कैसे मिलेंगे? पहले हम पूछेंगे तुम मित्र हो कि नहीं। ठीक है भाई, पूछा। अच्छा सुनो, पूछने तो जा रहे, वो नाम पूछेंगे तो बता देना, कहना तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। पूछते दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा।